अच्छा, अगला सवाल जो है वो हमारी यूथ के बारे में, कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इस तरह के सवालात कर रही है खुदा की एग्जिस्टेंस के बारे में और कदर के मामले के बारे में और जज़ा और सज़ा के मामले के बारे में। और ये हम देख रहे हैं कि ये एक तूफ़ान है जो कि हमारी यूथ के अंदर बरपा है। पहले तो हम इक्का दुक्का कोई इस तरह का केस देखते थे, लेकिन अब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, एसोसिएशन बन चुकी है। पाकिस्तान एथियस एसोसिएशन मेरे ख्याल में इसकी 1 मिलियन के करीब कुछ फॉलोअर्स हैं। तो इस दरवाजे दरवाज़ा क्यों खुला इन सवालों का, और ऐसी हमसे क्या गलती हुई है कि हमारी जनरेशन ये सवाल कर रही है? उसका सवाल करना गलत भी नहीं है, हम उन सवालों के जवाब कैसे दें, और ऐसा हमने क्या गलत किया कि जिसकी वजह से उनके अंदर ये सोच पैदा हो रही है? इसके बारे में आप तफसीलन ज़रा बताएँ। इसका बहुत आसान सा जवाब है कि ये सारे सवाल जो बच्चे पूछ रहे हैं आजकल, वो फितरी सवाल हैं। पहले भी बच्चे यही सवाल पूछते थे, मगर पहले माँ बाप को उनके जवाब आते थे। अगर इल्म का कोई राह नहीं, पैसों की दौड़ में लग गए सारे, तो माँ बाप जो है ना वो रब्बी जितनी इल्मा की बजाय रब्बी जितनी इसका बोलते रहते हैं हर वक्त। तो बच्चे जब इल्म के सवाल करते हैं तो उनको आता नहीं, तो बच्चे फिर यूट्यूब पर देखते हैं कि हाँ ये वाला जवाब उधर से मिल रहा है। ये माँ बाप का काम होता है फलसफा क्लियर करके बताना कि क्यों के आंसर क्या है। नाहिलों के माँ बच्चे हैं वो, जो लोग इस तरफ जा रहे हैं, ला वो नाहिल हैं या लापरवाह हैं, पता ही नहीं उनको कि बच्चे को फलसफे के ऊपर ट्रेन कैसे करना है। मैं आपको आसान करके बताऊँ, अगर एक पूरे इलाके कोई सुपरविजन ना हो, एक बच्चा छोड़ दिया जाए खुला, तो सवाल उसके जहन में वही आते हैं जो आजकल के पाकिस्तानी एथिस्टिक माइंड सेट के बच्चे करें। जेन्युइन सवाल हैं, वो बिल्कुल ठीक सवाल हैं। जवाब ना मिलने के ऊपर, या फिर इंतहाई ना अहल आदमी जो इस वक्त मौलवी साहब हमारा है, वो इस तरीके से वो जवाब, पहले तो वो जवाब डंडे पे लिख के देता है, दूसरा वो जवाब गलत लिखा होता है डंडे पे, वो सेंसिबल जवाब ही नहीं दे रहा। एक तो हमारे उलमा कराम जो है ना, वो कंटेम्प्रेरी स्कॉलरशिप को काउंटर नहीं कर रहे सही तरीके से मेन स्ट्रीम में आके, और जो उन्होंने छोड़े हुए हैं मस्जिदों में खतीब किसी भी फिरके में, वो अपनी अपनी एंटिटी का सबसे नाहल बंदा है। तो जुमे खुतबे में जब अजीब गरीब किस्म की बातें सुनते हैं। मैं अभी एक ट्रिप पे गया हुआ था दूर एक गांव में, जुमे की नमाज हुई, कश्मीर गया हुआ था एक्चुअली मैं, तो मैं आपको लिटरली बता देता हूँ। तो शारदा में हम जुमा पढ़ने के लिए रुके, तो वहाँ पे मौलवी साहब ने खुतबा, पूरा नहीं सुनाऊँगा आपको, मौलवी साहब ने खुतबे में ये प्रूव कर दिया कि हवा अलैहिस्सलाम ने, चूंकि 4 गंदम के दाने थे, 3 हवा खुद खा गई, तो विरसे में इसलिए औरत को एक हिस्सा मिलता है क्योंकि वो अपना हिस्सा जन्नत में ले चुकी है। ये हालात हों अगर पाकिस्तान में मस्जिद के खतीबों के, तो बच्चों ने, उनके बच्चों ने जब यूट्यूब देखनी है तो वहाँ पे देखना है कि फाइनमैन और ब्रायन ग्रीन एंड नील डिग्रास इस तरह के सवाल करें, और हमारे जो आलिम साहब हैं वो इस वक्त बता दें कि जाके औरतों को डंडे मारो क्योंकि इन्होंने ऊपर हिस्सा खा लिया हमारा, दो दाने बांटे नहीं, 3 हिस्से खुद खा गई, तो इसलिए इनको दुनिया में सजाएं दो, तो ज़ाहिर डिसोनेंस क्रिएट हो जाएगी। नाहलों के हाँ इस तरह के मसाइल अमूमी हैं। ये सवाल इतने फितरी हैं कि अबू हनीफा भी इनके जवाब दे रहे थे, शाफई इनके जवाब दे रहे थे। मामून रशीद के दौर में जाफर सादिक ने जो मनाजरे किए दहरियों के, मामून रशीद के दौर में कहाँ से आ गए जाफर सादिक, मामून रशीद के दौर के जो उलमा हैं वो भी दहरियों के मनाजरे करा होते रहे, मगर पिछले 800 साल की हिस्ट्री में तो दहरियों के सवाल हमारे पास हैं। पिछले 800 दहरियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सवाल किए हैं। सो देर इज सो मच हिस्ट्री, उसका मतलब है हमारे बच्चे ने पहली दफा कोई नए सवाल नहीं लिया, या फिर रिचर्ड डॉकिंस का कोई काम नहीं है इसमें। इट इज नॉट समथिंग न्यू एंड इट इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन फॉर द लास्ट टाइम नाउ। ये हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ द मस्जिद इज वीक, इंस्टीट्यूशन ऑफ द हाउस इज इवन वीकर, दैट्स वाई माँ बाप बिल्कुल बस लड़की की रोटी गोल पकानी आ गई है तो शादी कर की क्वालिफिकेशन है, लड़के ने अगर 20,000 रुपये 50,000 रुपये तनख्वाह लेनी शुरू कर दी तो शादी की क्वालिफिकेशन है, तो शादी इस तरह के क्वालिफिकेशन पे होगी तो बच्चे फिर पाकिस्तान एथीस्टिक एसोसिएशन के फाउंडर बनेंगे।